एमपी में भारी बारिश के बाद बने बाढ़ के हालातों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई। बैठक के पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट मंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में ऐसी बाढ़ की भयावह स्थिति कभी नहीं देखी, लेकिन टीम एमपी ने राहत और बचाव के कार्य में तेजी के साथ काम किया। यही कारण रहा कि समय रहते लोगों के जीवन को बचा लिया गया। संकट के इस दौर में प्रभावितों की समय पर मदद हो जाए, लेकिन बाढ़ के बाद भी जिन लोगों का नुकसान हुआ है, सरकार उनकी मदद करेगी, जिसके लिए टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है, जिसमें राजस्व, नगरीय प्रशासन समेत 11 विभाग होंगे, जिससे प्रभावितों को जल्द राहत दी जा सकेगी। काम है ये हम केवल कलेक्टर पे नहीं छोड़ सकते, और इसलिए आज मैं एक राहत के कामों के लिए, पुनर्वास के कामों के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना को फिर से खड़ा करने बनाने के लिए एक टास्क फोर्स बना रहा हूं। 11 विभाग रहेंगे, क्योंकि समन्वय से ये करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करके करना पड़ेगा हमको काम। इसमें हमारे शहरी विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पीडब्ल्यूडी, जल संसाधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पीएचई, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, क्योंकि पानी की व्यवस्था करनी है, शुद्ध पीने के, और बाकी व्यवस्थाओं को भी पानी की ठीक करना है, ऊर्जा विभाग, बिजली की व्यवस्था ठीक करनी, राजस्व विभाग, प्रमुख काम है सर्वे करके और बाकी चीजें करके राहत के काम प्रारंभ करने, इसमें कृषि विभाग, क्योंकि फसलों का भी आकलन करना है, पशुपालन विभाग को भी इसमें हम रखेंगे, क्योंकि पशु बहे भी है और बाकी भी, अगर कोई पशुओं की चिंता करना है तो वो भी आवश्यक है। जल संसाधन विभाग, मुझे लगता है कि इतने प्रमुख विभाग के मंत्रीगण और प्रमुख सचिव और एसीएस, इनकी ये कमेटी होगी,